तो जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में आज बच्चों को फिर से नेम प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, जो कि बच्चे को यहाँ पर आप माय नेम मिस करके और आपके बच्चे का जो भी नेम होगा वो आप राइट कर देंगे, देन उसकी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। अगर उन्हें स्पेलिंग लर्न हो गई होगी तो वेरी गुड, अगर नहीं हुई होगी तो आपको फिर से लर्न कराना होगा उनको उनके नेम की स्पेलिंग, और नेम स्पेलिंग करके बच्चे को माय नेम मिस करके अपना नेम राइट करके यहाँ पर कई बार प्रैक्टिस करनी है। देन आफ्टर बच्चों को जंबल वर्ड्स आप कराएंगे। जंबल वर्ड्स में हम रिविज़न कराएंगे बच्चों को वही वर्ड्स जो हम बच्चों को टॉट कर चुके हैं, तो उन्हीं वर्ड्स को आपको इनकरेक्ट कर देना है और बच्चे उसे करेक्ट वर्ड में राइट करेंगे। जैसे यहाँ पर आई टी के है, तो यहाँ पर बच्चे को उसे करेक्ट करके में राइट करना होगा के आई टी काइट। इसी तरह से कैट है यहाँ पर, डॉग है, बैल है। मैं आप मॉम्स को बता देती हूँ जिनको कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जंबल वर्ड्स इन दिस टाइप दे देने हैं और बच्चे उसे करेक्ट वर्ड में राइट करेंगे। इसी तरह से बैल है, बैट है, एग है, पिन है, रिंग है, टब है, डक है, मैंगो, आउल, मैप, टैप, काउ, बॉय, लैक। तो इन दिस टाइप आज बच्चों को जंबल वर्ड्स देने हैं इन इंग्लिश। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आज हम को बच्चों को मिलते जुलते हुए शब्द देने हैं, तो आप मिलते जुलते हुए शब्द इस तरह से बच्चों को कराएंगे कि बच्चे इसे करेंगे और राइट करेंगे कई बार, देन आफ्टर हम बच्चों को मिलते जुलते शब्द देंगे और बच्चों को राइट करना होगा अपने आप। तो यहाँ पर भवन है, पहन, नयन, हवन, मगन, दमन। देन नेक्स्ट है खरल, बगल, फसल, सफल, सरल, कमल। तो आज का बच्चों का हिंदी का होमवर्क ये होगा, बच्चों को राइटिंग करनी है मिलते जुलते हुए शब्द की। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग हम बच्चों को अभी बच्चों को अच्छे से सिखा रहे हैं, तो आप फिर से बैकवर्ड काउंटिंग बच्चों को होमवर्क में देंगे। तो बैकवर्ड काउंटिंग हम जब तक कराते रहेंगे बच्चों को जब तक कि बच्चों को अच्छे से ना आ जाए। तो बैकवर्ड काउंटिंग अब हम बच्चों को 50 से लेकर 1 तक कराएंगे रिपीट, जैसे कि हम लोगों ने पहले ईजी वे में बच्चों को बताया था, लेकिन अब बच्चे थोड़ा थोड़ा मेरी भी डॉटर फॉरगेट कर रही है, इसलिए हम उसे 2-3 दिन और प्रैक्टिस कराएंगे। जब तक बैकवर्ड काउंटिंग नहीं आ जाता हम उनको लगातार यही होमवर्क बैकवर्ड काउंटिंग का ही देंगे। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है ऐड बाय ड्राइंग लाइंस। आप ड्राइंग लाइन से बच्चों को ऐड करने के लिए देंगे। देन आफ्टर हियर इज टू, तो बच्चे को 2 ड्राइंग लाइंस ड्रॉ करनी है। इधर हियर इज 1 2 1 2 और यहाँ पर 2 है, तो बच्चे को 2 लाइन ड्रॉ करनी होगी 1 2। देन बच्चे को उसको ऐड कर देना होगा 1 2 3 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 4। तो इन दिस टाइप आज बच्चों को ड्राइंग लाइंस करके मेक करके यहाँ पर ऐड करना है। इसी तरह से 5 + 3, 3 + 1, 1 + 5, 3 + 3, 2 + 3, 7 + 2, 3 + 6, 2 + 4, 6 + 2, 7 + 3 and 2 + 6। तो आज का बच्चों का मैथ का होमवर्क ये रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।